نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا वक़ाल असातली बकर आयात का तर्जुमा मुलाजा फरमाइए और लोगों ने उसे छोड़ कर ऐसे खुदा बना रखे हैं जो कुछ पैदा नहीं करते बल्कि खुद पैदा किए जाते हैं और जिनका ख़ुद अपने नुकसान या फायदे पर भी कोई बस नहीं चलता और ना किसी का मरना या जीना उनके इख्तियार में है ना किसी को दोबारा जिंदा करना उनके इख्तियार में है और जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है वो कहते हैं कि ये कुरान तो कुछ भी नहीं बस एक मन घड़त चीज़ है जो इस शख्स ने घड़ ली है और इस काम में कुछ और लोग भी इसके मददगार बन गए हैं इस तरह ये बात कहकर ये लोग बड़े जुल्म और खुले झूठ पर उतर आए हैं और कहते हैं कि ये तो पिछले लोगों की लिखी हुई कहानियां हैं जो इस शख्स ने लिखवा ली हैं और सुबह शाम वही इसके सामने पढ़कर सुनाई जाती हैं कह दो कि यह कलाम तो उस अल्लाह ताला ने नाजिल किया है जो हर भेद को पूरी तरह जानता है आसमानों में भी ज़मीन में भी बेशक वो अल्लाह बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है आज शुरह फुरकान की ये आयत नंबर तीन से लेकर आयत नंबर छः तक तिलावत की गई और उसका तर्जमा पेश किया गया इन चार आयतों में अल्लाह ताला एक मैसेज दे रहे हैं और दो बड़े सवालों के जवाब दे रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि तुम्हें यह अंदाज़ा होना चाहिए कि तुम्हारी ज़िंदगी बेफायदा नहीं है उसका एक बहुत अजीम मकसद है और वो मकसद ये है कि अपने बनाने वाले अपने रब अपने खुदा को राज़ी करके तुमने दुनिया से जाना है तो सबसे पहली जो आयत है वह तखज़ु मंदू नही आली इस आयत में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि जो तुम जिन लोगों जिन चीज़ों को अपना खुदा समझते हो और अपने असली खुदा से तुम रू गर्दानी कर चुके हो अपने असल खुदा को तुम तस्लीम नहीं कर रहे हो तो ये जो जाली खुदा हैं या खुदा नखास्त तुम अगर खुदा को नहीं भी मानते तो जाहिर है तुम किसी न किसी चीज़ को बड़ा मानते हो किसी न किसी चीज़ को ये समझते हो कि ये दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है तो अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि जिनको तुम खुदा मान रहे हो अगर तुमने अल्लाह के अलावा में कोई जाली खुदा बनाए हैं तो तुम तुम्हारे पास एक क्राइटेरिया है ज़रा उनको परखो कि क्या वो जो जाली खुदा हैं वो तुम्हें कोई नफ़ा पहुंचा सकते हैं कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं क्या वो तुम्हें ज़िंदगी दे सकते हैं क्या वो तुम्हें मौत दे सकते हैं क्या वो तुम्हारे तुम्हें मौत देकर दोबारा उठाने पर कुदरत रखते हैं तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज अल्लाह ताला दे रहे हैं उन लोगों को जो अल्लाह के अलावा में दूसरी चीज़ों को खुदा मानते हैं और अल्लाह ताला पूरी दुनिया को ये चैलेंज करते हैं खूसा उन लोगों को जो आज कल आज के दौर में जो मुलद हैं खुदा को मानने वाले नहीं हैं जो अल्लाह ताला का इनकार करते हैं और ये समझते हैं कि ये जो पूरी कायनात है ये जो पूरे ज़मीन आसमान और शजर और हजर और ये जितना अफलाक का खैमा तना हुआ है ये सब का सब शायद ऐसे ही पैदा हो गया है इसका कोई बनाने वाला खुदा नहीं तो अल्लाह ताला उनको ये चैलेंज दे रहे हैं कि तुम तुम्हारे पास कोई इसका आल्टरनेट खुदा का कोई आल्टरनेट है तो उसे लेकर आओ तुम ये कहते हो कि खुदा वो होना चाहिए जो हमें नज़र आए तो फिर तुम दुनिया में सैकड़ों ऐसी चीज़ें हैं जिन जो गैब हैं नज़र नहीं आती उनको भी मानते हो देख तुम कहते हो कि पॉजिटिव चार्ज होता है एटम पर नेगेटिव चार्ज होता है मुसबत और मनफी चार्ज होते हैं नज़र तो नहीं आता तुम ये कहते हो कि मिसमरेज़म का इल्म दुनिया के अंदर मौजूद है हिपनाटम का इल्म दुनिया में मौजूद है टेलीपैथी का इल्म दुनिया में मौजूद है और सैकड़ों ऐसे माहरीन यूरोप के अंदर अमेरिका के अंदर या उन माशरों में मौजूद है, हैं जहाँ लोग बन गए हैं दहरीय बन गए हैं खुदा का इनकार करने वाले हैं तो क्या तुम जब ये सब चीज़ें मानते हो कि एक दिमाग दूसरे दिमाग को मैसेजेस ट्रांसफ़र कर रहा है एक दिमाग दूसरे दिमाग की सलाहियतों को कंट्रोल कर रहा है और एक शख्स अपने दिमाग पर अगर मेहनत कर ले तो वो बग़ैर किसी जबान को हिलाए बग़ैर हाथों को हिलाए बग़ैर किसी जिस्म के इशारे के वो दूसरे दिमाग में कोई बात ट्रांसफ़र कर रहा है तो फिर वो खुदा के बारे में तुम्हारा ऐसा क्यों तस्वुर है कि खुदा चूँकि तुम्हें नजर नहीं आता इसलिए तुम उसका इनकार कर रहे हो तो ये तुम्हारे बहुत बड़ा भूलपन है बहुत बड़ी ये ज्यादी तुम अपने साथ कर रहे हो क्या आमद का दिन जब सामने आएगा तो उस वक़्त में सब जो कुछ भी है वो आँखों के सामने खुल कर आ जाएगा और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ये बार बार फरमाया है कि माखलकुकुम वला बासुकुम अला कनफसम वाहिदा कि तुम्हें जितनी बड़ी जो अरबों की इंसानियत नज़र आती है ये तुम्हारे लिए कोई बड़ी चीज़ होगी कि बहुत बड़ा काम है अल्लाह ताला फरमाते मेरे लिए ये ऐसे ही है जैसे किसी एक इंसान को पैदा करना है तो पूरी इंसानियत का पैदा करना और एक इंसान का पैदा करना मेरे लिए बराबर है और अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कलम हिम वाहिदा कि हमारे लिए एक पल झपकने की चीज़ है तुम्हारे लिए बहुत वक्त टाइम टेकिंग चीज़ होगी हमारे लिए ये बस पलक झपकने तक की चीज़ है और दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि इन नमा जजरत वाहिदा फ़ा हम बसाहरा के एक चीख होगी और क़यामत कायम हो जाएगी तो ये सब निशानियाँ अल्लाह ताला कुरान मजीद में बार बार मैसेज की शक्ल में दे रहा है और मकसद इसका ये कि इंसान अपने रब को पहचाने अपने रब की कुदरत को पहचाने अपने रब की ताकत को पहचाने अपने खुदा को पहचाने और ये मान ले के इस कायनात को पैदा करने वाली ज़ात वो खुदा की है और वो अपनी सारी क़वतों ताकतों के साथ मौजूद है और उसने हमें एक इम्तहान की जगह पे भेजा है जिसके लिए हमने तैयारी करनी है अगली आयत नंबर चार के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ाल लज़ीन क़र हजाफन अफरा यहाँ पर हुआ यह कि लोगों के जहन में जैसे मुख्तफ सवाल होते हैं आज कल के दौर में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है लोग कहते उस दौर में भी कुरैश मक्का ने यह सवाल किया कि ये जो कुरान मजीद की तिलावतें आप पढ़ कर, कर करते हैं और कुरान मजीद की आयतें पढ़ कर हमें सुनाते हैं ये सारी आयतें ये सारे ये तमाम कुरान जो है ये तो तुमने लिखा हुआ कहीं से ले लिया तुम कि जो तजारती काफ़ले जाते थे शाम में और यमन में उन तजारती काफलों में जाते रहे और वहाँ से वहाँ जैसे बिन नबी सल्त किताबें लेकर आता था तो नउज़ बिल्ला जी के अलैहि वसल्लम ने भी ऐसी चीज़ें लेकर आए तो हुजूर से यहाँ पर कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला फरमाते कि ऐसा नहीं है कि यह कोई घड़ी हुई चीज़ को घड़ी हुई चीज़ है तो तुम अपनी आंखों से देख नहीं रहे हो तुम्हारे सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चालीस साल की ज़िंदगी मौजूद है इन चालीस सालों में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक पहलू पर जिंदगी के एक एक नशिस्त पर ज़िंदगी के एक एक कॉल पर हुजूर के एक एक फरमान पर तुम ये कहते थे कि आप जैसा सच्चा और अमानत दार हमने नहीं देखा तो क्या नाउज़ बिल्ला आपको नबूत मिलने के बाद ये बातें या चालीस साल की उम्र के बाद हुजूर ने ये बातें करनी थी और झूठ बोलना था ये खुदा न खास था बिल्ला ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है और ये अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर ये कहा है कि तुम ये दूसरा ये भी दावा करते हो कि ये जो कुरान है ये यहूदियों की मदद से लिख लिया गया तो यहूदियों की मदद अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होती और यहूदियों ने लिखवाया होता चूँकि यहूदियों के पास अपनी मजहबी किताब है इस वजह से उन्होंने गोया हुजूर की मदद की और अल्लाह ताला ये फरमाते कि अगर उन्होंने मदद की होती तो फिर यहूदी कभी हुजूर पर ईमान तो ना लेकर आते क्योंकि उनको तो पता होता कि ये तो हम घड़ा हुआ है तो नौज बिल्ला अगर ऐसा होता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो ईमान कैसे लेकर आते हैं तो ये बिल्कुल फजूल की बातें हैं और ये असल में दाव दावत दीन का एक मिजाज है कि जो लोग अल्लाह से दूर हटे हुए होते हैं जो लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बारे में शक में पड़े हैं या दीन पर अमल नहीं करते हैं। वो छोटे छोटे आर्जी दिमागी मुशगाफ़ियों पर जहनी उलझनों में का शिकार होते हैं और छोटी छोटी बातों की वजह से हिदायत से दूर होते हैं तो अल्लाह ताला ने असल मैसेज ये दिया है कि तुम तुम्हें पता होना चाहिए अनसलज़ी यामसरफ समावती वलर्स कि ये कुरान ये जो सब अहकाम शरा हैं ये सब उस खुदा ने नाजिल किए हैं जिसको ज़मीन और आसमान के एक एक राज का पता है वो दिलों के भेद तक भी जानता है इसलिए इससे पहले कि तुम्हारी मोहलत ख़त्म हो इससे पहले कि तुम्हारी रस्सी खींच ली जाए इससे पहले कि फिर तुम तौबा करना चाहो तौबा कबूल ना हो तुम अल्लाह की तरफ बढ़ना चाहो लेकिन तुम्हारी ये ख्वाहिश कबूल ना हो तुम जन्नत के तलबगार बनो लेकिन तुम्हारे लिए जन्नत मुकद्दर ना हो सके तुम अपने रब की तरफ आओ क्योंकि इन का न गफ़ूर रहीमा क्योंकि वो तुम्हारा रब बड़ा माफ़ कर देने वाला है बड़ी रहम कर रहम करने वाली ज़ात है उससे ज़्यादा माफ़ करने वाली कोई ज़ात नहीं है उससे ज़्यादा रहम करने वाली कोई ज़ात नहीं है तो उस खुदा की तरफ तुम बढ़ो सही जैसे अल्लाह ताला ने दूसरी जगह पर फरमाया कि माँ गर्र कभी रब करीम कि तुम्हें अपने इतनी शफकतों वाले रब से किस चीज़ ने धोखे में डाल दिया कि इतनी रहमतों इतनी शफकतों वाले खुदा की तरफ तुम नहीं बढ़ते हो और इसकी बजाय झूठे बातों में झूठे उलझनों में पड़े हुए हो झूठे फ़लसफ़ों का शिकार हो तो ये आयात के अंदर अल्लाह ताला ने ये पैगाम दिया है कि तुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कामिल नमूना मानो और इस कुरान की एक एक चीज़ को अपने लिए हिदायत समझो और ये न समझो कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाऊज़ बिल्ला कोई जादूगर हैं या कोई शायर हैं या कोई मजनून हैं या नाऊज़ बिल्ला हुजूर ने कोई झूठ बोला इसके ज़रिए से तो ये सब झूठी बातें हैं इन झूठे परोपे से हिदायत का रास्ता रुकने वाला नहीं है तुम अपना ही नुकसान करने वाले हो तुम्हारी अपनी मंजिल खोटी हो रही है तुम अपना रास्ता खुद भटक रहे हो तुम खुद ही हिदायत से दूर होते चले जा रहे हो और अल्लाह ताला की तरफ अगर तुम आओगे तो अल्लाह ताला से बड़ा अल्लाह ताला से ज़्यादा रहम करने वाला किसी को नहीं पाओगे जैसे एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब आदमी मेरे करीब आता है इन तकर्रब इले बब्रकर्रब तो ज़रा इन तकर्रब इ ज़रा तकर्रब तो अलाबान वन अतानी यमशी अतई तो हु हर वालता अगर कोई मुसलमान या कोई मेरा बंदा तोबा करके मेरी तरफ़ बढ़ने की कोशिश करता है अल्लाह की तरफ आने की कोशिश करता है तो वह अल्लाह की तरफ एक बालिशत बढ़ता है अल्लाह तै ग एक बाज़ू उस की तरफ बढ़ जाते हैं अगर वह एक बाज़ु उसकी तरफ़ बढ़ते हैं तो अल्लाह ताल उसकी तरफ एक मीटर बढ़ जाते हैं और अगर वो अल्लाह की तरफ पैदल चल के आता है अल्लाह की रहमत उसको दौड़ कर अपनी गिरफ़्त में लेती तो ये अल्लाह ताला इतनी रहमतों इतनी बरकतों वाली ज़ात इतनी शफकतों वाली ज़ात और अगर हम उस जात से अपनी मफ़रत ना करवा सकें उस जात से अपना ताल्लुक न कायम कर सकें तो ये सरासर हमारा ही खसारा है और ये सब का सब हमारा अपना नुकसान है तो अल्लाह ताला से दुआ है कि सर फुरकान का ये जो पैगाम है इस पर अल्लाह ताला हमें अमल करने की तोफ़ी का फ़रमाएँ व आखरु अनिलहमदिल्ला रबीआलमीन